दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में फादर्स नेम करेक्शन करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आना है uidai.gov.in। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट आधार में अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। तो यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार। प्रोसीड टू अपडेट आधार करने के बाद आप देख सकते हैं एंटर आधार नंबर। यहाँ पे आपको आधार का नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, और करना है सेंड ओटीपी। सो सेंड ओटीपी करने के बाद आप देख सकते हैं वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो मुझे रिसीव हो चुका है ओटीपी, मैं डाल देता हूँ 915589। और यहाँ पे ओटीपी डाल के करते हैं लॉग इन, और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डेटा फील्ड टू बी अपडेट। आप कौन सा अपडेट करना चाहते हैं, लैंग्वेज, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जिसको भी करना है आपको सिलेक्ट करना है। सो मेरे केस में एड्रेस करेक्शन करना है, इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एड्रेस और करता हूँ प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे करना है यस आई एम अवेयर ऑफ दिस। यहाँ पे आप पूरा रीड कर सकते हैं डियर रेसिडेंट, यहाँ पे जितने भी लिखा है किस कारण से रिजेक्ट हो जाएगा या फिर क्या कुछ लगेगा आप देख सकते हैं। 50 rupees एक चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स रीड कीजिए, इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा के करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस करेंटली इन आधार, इसका मतलब आधार में जो करेंट एड्रेस अभी है। यहाँ पे नीचे की तरफ है एंटर द डिटेल्स, आपको जो अभी करेक्शन करना है नया वाला एड्रेस डालना है। यहाँ पे केयर ऑफ में होगा, अगर आपका फादर्स नेम होगा तो यहाँ पे आप डालेंगे सॉन ऑफ S/O सॉन ऑफ, उसके बाद आपका नाम होगा, ठीक है। अगर आप हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे होगा W/O, WO के बाद आपका नाम होगा यानी कि वाइप ऑफ। अगर आप फादर्स नेम डालना चाहते हैं तो होगा सन ऑफ, ठीक है, S/O, राइट, आपको समझा दिया। इसके बाद नीचे की तरफ है हाउस नंबर, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, यहाँ पे डिटेल्स आप डाल देंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी नया एड्रेस है। तो यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो नया वाला एड्रेस है उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड में चेंज कर रहे हो तो इसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अकाउंट, रेशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आप कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट करेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो साइज है 2 MB, सपोर्टेड फॉर्मेट है JPG, PNG एंड PDF, तीनों फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और फाइल का जो साइज होगा मैक्सिमम 2 MB, ठीक है। प्लीज अपलोड बोथ साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज फ्रंट पेज एंड बैक पेज ऑफ वोटर आईडी, रेशन कार्ड एंड पासपोर्ट। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिंपली करना है प्रीव्यू के ऊपर क्लिक। तो मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का स्टेप आपको दिखाता हूँ। और प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं प्रीव्यू द डिटेल्स, यहाँ पे न्यू करेक्ट एड्रेस, मतलब आपका जो नया वाला एड्रेस है यहाँ पे दिखाएगा। तो सब कुछ आप सही से चेक कीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ कैप्चा कोड डालना है, तो कैप्चा कोड डाल देता हूँ, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे करेंगे सेंड ओटीपी, और सेंड ओटीपी करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। तो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है, यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एंटर ओटीपी, तो 160953। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आई हेयर बाय कन्फर्म दैट के ऊपर क्लिक करना है, और करना है मेक ए पेमेंट। और मेक ए पेमेंट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, किसी भी पेमेंट मेथड को आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। और दोस्तों, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपको आना है अपडेट आधार में फिर से, और आप देख सकते हैं चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक्स डेटा अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नंबर डालने का एक ऑप्शन आ जाएगा। एंटर आधार नंबर, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के करेंगे सेंड ओटीपी, उसके बाद एंटर ओटीपी करके करना है चेक स्टेटस। और चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं अपडेट आधार रिक्वेस्ट नंबर दिखेगा, URN नंबर, और यहाँ पे स्टेटस अभी दिखा रहा है कि प्रोग्रेस में है। और यहाँ पे नीचे की तरफ रिक्वेस्टेड डेट एंड टाइम है, योर डेमोग्राफिक्स डेटा रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ आवर ऑपरेटर फॉर रिव्यू, यानी कि जैसे रिव्यू हो जाएगा आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपका आधार का जो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक करेंगे 5 से 6 दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद, कोविड की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट जैसे यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि अप्रूवल हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, आपका आधार
आ जाएगा आपके एड्रेस पर, या फिर आप यहाँ पे दिखा देता हूँ पीवीसी आधार भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके पीवीसी ऑर्डर भी आप कर सकते हैं पीवीसी आधार के लिए 50 रुपीज पे करके। अगर आपको पता नहीं है कि पीवीसी आधार कैसे ऑर्डर करना है तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।